जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन आर्मी NCC स्पेशल एंट्री स्कीम 51 कोर्स अप्रैल 2022 ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों फॉर्म फिलअप से पहले आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में जान लीजिए। ये आपका अप्रैल 2022 कोर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें कि अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल यानी कि मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट रखी है वो आपकी 19 से 25 साल के बीच रखी है, जो कि 1 जनवरी 2022 तक काउंट की जाएगी। यानी कि अगर आपका जन्म 2 जनवरी 1997 से लेकर के 1 जनवरी 2003 के बीच में हुआ है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको बोला है कि NCC सी सर्टिफिकेट होल्डर्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपसे मांगी है वो डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी कि आपसे डिग्री की योग्यता मांगी है, जिसमें कि आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा दोज स्टडिंग इन फाइनल ईयर आर आल्सो अलाउड टू अप्लाई प्रोवाइडेड दे हैव सिक्योर्ड मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स इन फर्स्ट 2-3 ईयर्स ऑफ 3-4 ईयर्स डिग्री। बेसिकली जो फाइनल ईयर के अंदर है वो भी अप्लाई कर पाएंगे, बट उनको ध्यान ये रखना है कि उन्होंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अंदर कम से कम 50% मार्क्स प्राप्त किए हो। तो ये आपने जान लिया है। साथ ही आपको बोला कि सर्विस इन NCC तो शुड हैव सर्व्ड फॉर मिनिमम 2 या फिर 3 ईयर एज एप्लीकेबल। ये सीनियर डिवीजन WG ऑफ NCC के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो यहां पर बेसिकली आपने जाना कि इसमें आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। जो आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे वो आप 5 अक्टूबर 2021 से लेकर के 3 नवंबर 2021 तक भर पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक देने वाला हूं, आपको अप्लाई लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहां पर ऑफिसर सिलेक्शन के सामने चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको अपनी सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी होगी, जो भी आपकी DOB है वो यहां से आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपका जेंडर यहां से आपको चूज करना है। क्वालिफिकेशन में यहां पर दोस्तों आपको ग्रेजुएशन कम से कम चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। आपने जो आपकी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट किया वो कर ली है या फिर अभी कर रहे हो तो फर्स्ट ऑप्शन चूज कीजिए, नहीं तो आपको पास्ट के ऊपर सिलेक्ट क्लिक कर देना है। मैरिटल स्टेटस क्या है तो यहां से अनमैरिड आपको सिलेक्ट कर लेना है, और NCC में आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये देख लीजिए आपके सामने यहां पर नीचे शॉर्ट सर्विस कमीशन NCC स्पेशल एंट्री आ चुका है, जिस पर अभी अप्लाई हो रहे हैं। तो आपको यहां पर नीचे अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इन सभी इंस्ट्रक्शंस को चेक करते हुए नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहां पर आपको दिया कि आई हैव आधार नंबर, इनरोलमेंट नंबर या फिर कुछ भी नहीं। तो अगर आपके पास इनमें से कोई चीज नहीं तो आप यहां से नन सिलेक्ट कर लीजिए। फिर दोस्तों यहां पर जो भी आपका नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार है वो नाम आपको यहां पर फिलअप करना है। ये फिलअप करने के बाद यहां पर आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है, और ये एंटर करने के बाद नीचे आप देखोगे माताजी का नाम यानी कि आपकी मदर्स का नेम। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ, तो यहां से आपको अपनी DOB सेलेक्ट कर लेनी है, पहले ईयर यहां से, फिर आपका मंथ, और इसके बाद डेट, तो आपकी DOB आ जाएगी। ये आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही सिलेक्ट करनी होगी। ईमेल एड्रेस आपका जो भी है वो यहां पर आपको एंटर करना है, और इसको एंटर करने के बाद आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर यहां पर एंटर करना है। फिर ये सब जानकारी चेक करने के बाद आपको यहां पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पर दोस्तों जो आपने ईमेल आईडी यहां पर एंटर की है उस ईमेल आईडी के ऊपर एक OTP गया होगा, आपको थोड़ा वेट करना है। अगर OTP नहीं आता है नहीं तो आपको दोबारा ट्राई करना होगा। फिर यहां पर दोस्तों आपको अपना वो जो OTP आपको मिला है वो एंटर करना है, जो कैप्चा कोड आपके सामने वो कैप्चा कोड यहां पर फिलअप करना है। इसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब चलिए जो अन्य जानकारी है वो कैसे भरनी है वो भी आप यहां पर जान लीजिए। आपकी DOB और नाम यहां पर पहले से फिलअप है, जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरा था। फिर यहां पर दोस्तों आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहां पर नीचे देखोगे एजुकेशन डिटेल, तो यहां पर आपको इसके ऊपर क्लिक करके ये देना है कि मैट्रिकुलेशन आपने किस बोर्ड से की है, CBSE, ICSE, ओपन, अदर या फिर स्टेट बोर्ड। तो हम यहां से स्टेट बोर्ड सिलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहां से हम उत्तर प्रदेश चूज कर लेते हैं। फिर दोस्तों यहां पर आपको मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट नंबर यानी कि जो 10वीं है उसकी जो मार्कशीट है उसका नंबर आपको यहां पर देना होगा। अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर नंबर नहीं है तो आप यहां पर
टेंथ का रोल नंबर एंटर कर दीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। इसका जो साइज है वो आपका 200 KB से कम रहना चाहिए, तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आपको अपलोड करनी है। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको ओपन करना है, फिर आपको फाइल का नेम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो आपका एलिजिबल क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करनी है। तो बेसिकली यहाँ से हम ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको चूज करना है कि आपने पास कर लिया फिर अपीयरिंग हो, तो हम पास्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर डेट ऑफ एनरोलमेंट, तो यहाँ पर बोला है कि एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट्स इन सर्विस ऑफ आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, अगर आप इनसे बिलोंग करते हो, इनकी सर्विस में हो, तो आपको डेट ऑफ एनरोलमेंट डालनी है, नहीं तो आपको इसको खाली छोड़ देना है क्योंकि आप फ्रेशर हो। फिर आपको यहाँ पर इस तरफ आना है और आप यहाँ पर देखोगे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसके अलावा यहाँ पर आई है यानी कि आधार नंबर, तो आपने यहाँ पर कुछ ऑप्शन चूज नहीं किया, आपने नन सेलेक्ट किया है। अगर आप देना चाहते हो आधार या एनरोलमेंट नंबर तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आपको सलाह दी जा रही है कि आपको अपना आधार कार्ड जल्दी से बनवा लेना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप यहाँ पर कोई भी एक क्वेश्चन चूज कर लीजिए, फिर उसका आंसर आपको यहाँ पर लिख देना है और ये आंसर आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाओगे और आप इसको रिसेट करोगे, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे करके पासवर्ड रिसेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक पासवर्ड एंटर करना है जिसकी लेंथ कम से कम 8 करेक्टर की होनी चाहिए। जो भी पासवर्ड आपने डाला है उसको कन्फर्म कर लेना है और आपका जो पासवर्ड है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आपका इंग्लिश का स्मॉल वर्ड, कैपिटल वर्ड, डिजिट, इसके अलावा एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। फिर यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपके सामने है, कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को अच्छे से चेक करना है और अच्छे से चेक करने के बाद नीचे आकर के सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा और आपको बोला जा रहा है कि आपको अप्लाई करने से पहले अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, तो आपको यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर इस तरफ आकर के अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको ओके करना है और ओके करने के बाद यहाँ से आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके पहले फोटो अपलोड करना है। जान लीजिए आपके फोटो का साइज 5 से 20 KB के बीच रहना चाहिए और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का होना चाहिए, तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। और मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूँ, तो चलिए मैं यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ, तो आपका इमेज यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर सिग्नेचर का साइज आपका 5 से 10 KB के बीच में रखा है, हम इसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं, तो आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अगर इनमें से जानकारी देनी है, आधार नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर, तो आप यहाँ पर अभी भी इसकी जानकारी दे सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पर नीचे आना है और आपकी जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है 10वीं की वो चेक कर लेनी है और नीचे आकर के जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया जा रहा है ये कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आएगा रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ से आपको ओके करना है और ओके करने के बाद आपकी जानकारी अपडेट हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने परमानेंट और कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी भरनी है, तो जो भी आपका एड्रेस है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग वो एड्रेस यहाँ पर आपको एंटर करना है और एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सिटी, टाउन, विलेज का नाम एंटर करना है। तो चलिए यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट यहाँ से आपको चूज कर लेनी है, उसके अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। आपके पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या हो यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके सामने आप देखोगे सेम एज परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। ये टिक करने पर आपकी जानकारी इस तरफ भी आ जाएगी। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो एलिजिबिलिटी का पेज है वो फिर से आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो सर्टिफिकेट है उसमें सी सिलेक्ट कर लेना है। सी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने अप्लाई का लिंक है। अब आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, आपको इन इंस्ट्रक्शंस को एक बार चेक कर लेना है। फिर आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपके सामने है, आपको इनको कन्फर्म करना है। साथ ही नेशनलिटी के अंदर यहाँ से आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। इंडियन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना जो फोटो एंड सिग्नेचर है वो फिर से अपलोड करना होगा। तो चलिए यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके ओपन करते हैं। इसके बाद जो भी आपका सिग्नेचर है वो दिए गए साइज के तहत आपको यहाँ पर फिर से अपलोड करना है। हम इसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। फिर आपके सामने कम्युनिकेशन की जानकारी आ चुकी है। अब आपको फिर से यहाँ पर जानकारी भरनी होगी जो कि अभी आपने फिलअप की थी, और इसको फिलअप करने के बाद आपको सेम तरीके से
सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आती है एजुकेशन डिटेल, जिसमें कि यहाँ पर आपको बोला है कि प्लीज एंटर योर ग्रेजुएशन मार्क्स ओनली, ऑल पास्ट बीटेक बी कैंडिडेट मस्ट एंटर 4 ईयर मार्क्स, यानी कि आपको 4 ईयर्स के मार्क्स एंटर करने हैं। ऑल अपियरिंग जो कि बी बीटेक के अंदर अपियरिंग कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 3 ईयर के मार्क्स एंटर करने हैं, और जो ऑल पास्ट ग्रेजुएट है उनको यहाँ पर अदर देन बी बीटेक इनको छोड़ करके 3 ईयर्स के मार्क्स एंटर करने होंगे। जो ऑल अपियरिंग ग्रेजुएट है जो कि जिनके पास ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है उनको यहाँ पर 2 ईयर के मार्क्स एंटर करने होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको बोला है कि आई फर्स्ट ईयर मार्क्स ऑब्टेंड, यानी कि आपको जो फर्स्ट ईयर है इसके अंदर ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स प्राप्त हुए थे वो मार्क्स यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। ये करने के बाद आपको यहाँ पर आउट ऑफ कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको भरना है। मैं आपको एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, मतलब कि आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर आउट ऑफ में तो लिखना है टोटल, और उसमें से आपको कितने आए थे वो लिखना है यहाँ पर आपको ऑब्टेंड के कॉलम के सामने। फिर सेकेंड ईयर में आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, और सेम तरीके से यहाँ पर टोटल मार्क्स डाल देने हैं। इसी प्रकार से आपको थर्ड ईयर के अंदर कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर डालना है, और आपके टोटल मार्क्स कितने थे वो डाल देने हैं। फिर फोर्थ ईयर के यहाँ पर आपके कितने नंबर थे वो यहाँ पर डालना है, और टोटल आपको यहाँ पर सेम तरीके से भर देने हैं। ये भरने के बाद आपको यहाँ पर कैलकुलेट परसेंटेज के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जो परसेंटेज है वो यहाँ पर कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसके बाद वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी, अगर आप इसके तहत अप्लाई कर रहे हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है ग्रेडिंग इन एनसीसी सी सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आपको ए है या फिर बी है वो आपको चूज करना है। तो चलिए यहाँ से हम इसको ए सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट ऑब्टेंड फ्रॉम, यानी कि जो सर्टिफिकेट है आपको एनसीसी का वो कहाँ से मिला है, किसके अकॉर्डिंग मिला है, तो आपको यहाँ पर वो एंटर कर देना है, उस जगह का नाम या फिर उस कॉलेज का नाम। तो यहाँ पर आपको बेसिकली अपना वो डालना है जहाँ से आपको एनसीसी सर्टिफिकेट मिला है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट नंबर, आपका नंबर क्या है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद आता है डेट ऑफ इशू एनसीसी सी सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है कब इशू है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों आता है वेदर सर्विंग इन आर्म फोर्स, अगर आप कर रहे हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। ये करने के बाद आपको सभी जानकारी चेक करनी है, और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी और आपके सामने एसएसबी डिटेल आ जाती है। अगर आपके पास डिटेल है तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपको टाइप ऑफ कमीशन चूज करना होगा, इसके अलावा सिलेक्शन सेंटर आपको चूज करना है, और यहाँ पर बैच चेस्ट नंबर डालना होगा, रिपोर्टिंग डेट डालनी है, और रिजल्ट डालना है। बट अगर आपके ऊपर ये लागू नहीं होता, आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो, तो यहाँ से नो सिलेक्ट कर दीजिए, और नो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, आपको इन सभी जानकारी को अच्छे से चेक कर लेना है। इसके बाद आपको जानकारी को एडिट करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए आपको पूरी तरीके से श्योर होकर के एक एक जानकारी को चेक करना है, और फिर यहाँ पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, यहाँ पर आप देख लीजिए आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है। अब यहाँ से अगर आप अपनी फॉर्म की हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन के अंदर जाना है, और ऐसे आप अपने फॉर्म की एप्लीकेशन हिस्ट्री तो चेक कर ही पाएंगे। साथ ही आपको वहाँ पर जब आपने फॉर्म को सबमिट किया है नीचे देखने को रेड लाइन में मिल पा रहा होगा कि जब आपके फॉर्म लास्ट डेट निकल जाएगी तो उसके बाद आप अपने फॉर्म का पीडीएफ ले पाएंगे, और जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको एडमिट कार्ड इशू कर दिए जाएंगे जो कि आप वहीं से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 51 अप्रैल 2022 कोर्स ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।